हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है मुंबई सिटी टूर 2023 की। ये एक वीडियो है जिस टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है। इसका टाइटल है द नेक्स्ट दुबई मॉडर्न इंडिया। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इंडिया की जो प्लेसेस हैं, यूनिक प्लेसेस हम कह सकते हैं उसको, कभी दुबई, कभी जापान, कभी सिंगापुर से क्यों कनेक्ट किया जाता है। आई डोंट थिंक के इंडिया को इन सारी कंट्रीज़ के नाम की ज़रूरत है, बिकॉज नोएडा इतना खूबसूरत नेम है, मुंबई बहुत खूबसूरत और यूनिक नेम है, और तो और भी बहुत सारे नेम हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहीं पर। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू अगेन एक और नई वीडियो के साथ में। काफ़ी मसालेदार वीडियो है ये, कि अभी हम इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसा दिखता है इंडिया। तो मेरे सामने आप देख रहे हो 2023 में हम लोग इस तरीके से हमारे शहर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, एक बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के हैं। मैं इसको दुबई और शंघाई के साथ में कंपेयर बिल्कुल कर सकता हूँ। आप मेरे सामने बिल्कुल न्यू मेट्रो एकदम, फिर इसके सेकंड मेट्रो भी है और यहाँ पे मोनो रेल भी चलती है। और ये मेरे सामने व्यू देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं सिंगापुर में आ चुका हूँ। सिंगापुर में कुछ कुछ एरिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखते हैं। सो गाइस, एयरफोन लगा लीजिए, सफ़र में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आज आपको पूरा मुंबई सिटी टूर करवा रहा हूँ, फेमस प्लेसेस नहीं, ओनली सिटी टूर के शहर कैसा दिखता है। उससे पहले लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी बताना। तो अभी मैं हूँ बोरीवली एरिया के अंदर, और बोरीवली एरिया का व्यू अभी कुछ ऐसा दिखता है, और कुछ टाइम पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही तेज़ी से चेंज हो चुका है अभी बोरीवली का व्यू। साइड में देखिए मेट्रो चल रही, बिल्कुल न्यू मेट्रो 2023 की, और सामने है बोरीवली का स्काईलाइन। और यहाँ पर रोड्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो 2024 तक तो मुंबई वैसे भी चेंज होने वाली है, लेकिन अभी आप देखिए मुझे शहर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं बोरीवली के मेट्रो स्टेशन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन कैसा बना हुआ है। आप इसको देख के कैसा फील कर रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेट्रो काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना रखा है, और बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लीन, मतलब आपकी शक्ल भी दिख रही थी, ऐसा स्टेशन बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर। तो अभी मैं जाता हूँ लिफ्ट से ऊपर और आपको एक और मेट्रो दिखाता हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल सी मेट्रो है। और फिर हम मेट्रो से सफ़र करते हुए आपको मुंबई स्काईलाइन का भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। मेट्रो काफ़ी गाइस मॉडर्न बनी हुई है, और अंदर से कुछ व्यू ऐसा लगता है एकदम क्लीन और मस्त। ये है मुंबई का स्काईलाइन व्यू, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा। और 30 रुपये मेरे लगे थे एक तरफ जाने के, तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा सस्ता। और सेकेंड चीज़, मुंबई बहुत ज़्यादा है ग्रीन, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और 250 प्लस स्काई स्क्रेपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, यानी टावर 250 से ऊपर वो बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये मुंबई को किस लेवल पे लेके जाने वाला है। स्काई स्क्रेपर जो बोलते हैं ना सिटी के मामले में, मुंबई उन लिस्ट में शामिल बहुत जल्दी होने वाला है। अभी मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे मेट्रो की तरफ, और वो स्टेशन का वॉक कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एकदम कांच के बिल्डिंग है, और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मुझे लगा स्टेशन के। नहीं के मुंबई रियली में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो। वाकई में बहुत खूबसूरत ग्लास टावर्स लगे हुए हैं। अभी मैंने लिए टैक्सी, और टैक्सी का मेरा प्राइस लगा था 50 रुपये, ताकि मैं आपको रोड से भी व्यू दिखाऊं। अभी मैं जा रहा था साउथ मुंबई की तरफ, मरीन ड्राइव की तरफ, और वहाँ जाते हुए कुछ इतना ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है। सामने देखिए स्काईलाइन दिख रहा है, ट्विन टावर है, अंबानी जी का घर भी है वहाँ पर, और मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा। इसको बोलते हैं साउथ मुंबई।
और 2023 के एंड तक में यहाँ पे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक वो भी रेडी होने वाला, मुंबई कोस्टल रोड भी यहाँ पे होने वाला रेडी, और बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, तो मुंबई को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला ही है। तो वहाँ से होते हुए मैं भी आ चुका हूँ प्रभा देवी, और प्रभा देवी से मैंने सिर्फ पैदल वॉक ही किया ताकि मैं आपको रियलिटी दिखा सकूँ कि मुंबई अंदर से कैसा लगता है डीप से। तो आप देखिए मैं बिल्कुल पैदल वॉक करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बिल्कुल साइकिलिंग के लिए बना रखा है ट्रैक, पास में गार्डन बना रखे, उसके साइड में लगाया हुआ है ट्री, सामने दिख रहा है पूरा स्काईलाइन। तो गाइस मैं पूरा अंदर तक घूमा, और इस एरिया को देख के आपको कैसा फील हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और जिस हिसाब से मुंबई डे बाय डे चेंज होते जा रहा है, तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल की सिटी बन चुकी है या फिर अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनने में। एंड गाइस एक बात मैं जरूर बोलूँगा, मुंबई ग्रीन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नए नए प्लांट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और जो मुंबई कोस्टल रोड अभी जो बन रहा है ना, उसके ऊपर 75% के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गार्डन, वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक और जिम वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। और गाइस ये है रोड से व्यू, और सामने देखिए मुंबई स्काईलाइन, और ये एरिया हाजी अली वाला एरिया है, और यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न बस भी आ चुकी है, अभी मुंबई के अंदर वो आ चुकी है डबल टिकर बस। तो अभी मैं आ चुका हूँ मरीन ड्राइव, जिसको बोलते हैं साउथ बॉम्बे का हार्ट। प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप मेरे सामने देख रहे हो, वहाँ चल रहा है कोस्टल रोड का काम, और अभी दोपहर का टाइम था तो इतनी भीड़ है, शाम के टाइम पर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाती है। आई होप गाइस अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी शहर के ऊपर लेकर आऊँ, मेरा मन तो हैदराबाद का कर रहा है, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताना कौन सा शहर में लेकर आऊँ। और मुंबई में इस ब्रिज को भी कलरफुल कर दिया, साइड में पेड़ पौधे भी लगा चुके हैं, काफ़ी मुझे बहुत सिटी अच्छी लगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत वीडियो है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो मुंबई में ट्रैवल किया जा सकता है। और मैं सबसे ज़्यादा हैरान हुई हूँ, इंडिया में जो प्राइसेस हैं बहुत सस्ती हैं, फेयर्स वगैरह जैसे 30 रुपीज़ मेट्रो लेके इन्होंने ट्रैवल किया। आई थिंक कि 30 रुपीज़ में आप जो है वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ तक मेट्रो के स्टॉप्स होते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता कि आपने स्टॉप तक उतरना है। और जैसे हम लोग हमारी बसेस वगैरह होती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपको अगर आपने सदर तक जाना है, मतलब कि किलोमीटर के हिसाब से ना वो चार्ज करते हैं, उनके 30-40 मतलब स्टार्टिंग ही 30 से होती है हमारे यहाँ से, और फिर वो रूट के ऊपर होती है आपका किलोमीटर के हिसाब से, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस देख कर ना वो लोग इतना चार्ज कर लेते हैं 30। तो आप इस तरह से 200 तक भी बस का कॉस्ट चला जाता है अगर आप एंड ऑफ द कराची जाते हो। लेकिन मेट्रो में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सहूलत है कि आप एक जगह से बैठे हो, आप किसी भी स्टॉप में उतरना है, डजेंट मैटर, आप एक पे करो और उतर जाओ। आई थिंक ऐसा ही होता है शायद, लेकिन शायद आप लोगों के, मैंने हमारे जो लाहौर में ऑरेंज लाइन है ना, तो सेम उसका ये प्रोसीजर है, बट आई थिंक आप लोगों के यहाँ पर ये होता है कि जो मेट्रो होती है उसी के अंदर आप लोग चार्ज मतलब के जो बिल मतलब करते हो, फिर जब उतरने लगते हो, एग्जिट करते हो, तो उस टाइम पर आपके वो कट जाते हैं, कुछ इस तरह का शायद कॉन्सेप्ट होगा, मुझे शायद जहन में आ रहा है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने यकीनन ट्रैवल किया होगा तो आपको आइडिया भी होगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, काफ़ी खूबसूरत जो मरीन ड्राइव है वो बहुत खूबसूरत है, काम काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है, और सच कहूँ तो दुबई से भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू और एक नेचुरल व्यू देखने को मिला जो कि मुंबई में है। और इस वैसे तो मैं कहती हूँ कि कहीं से भी आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुंबई बहुत खूबसूरत है, और जो इन्होंने दिखाया है नो डाउट इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने टैक्सी लेके 50 रुपीज़ में इन्होंने व्यूज़ को कैप्चर करने की कोशिश की, फिर मरीन ड्राइव हमें दिखाया, फिर मेट्रो से ट्रैवल करके दिखाया, मतलब एक बहुत खूबसूरत से व्यूज़ दिखाए हैं, और बहुत ही प्यारी जगह है, और लोग यहाँ पर आते हैं डेली, मेरे ख्याल से रश होता है। और वाइल्ड लैंड अब्रॉड जो हैं, आई थिंक वो भी यहाँ पर आए थे, जो पाकिस्तानी विज़िट किया था अभी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले, तो वो भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी ट्रैवल किया था, तो
मतलब बहुत खूबसूरत लगा। रोड काफ़ी अच्छे बनाए हैं और मज़ीद कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है। एंड सबसे बड़ी बात कि बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, ग्लास टावर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज दिख रहा है जैसे मूवीज़ में दिखाया करते थे, या फिर व्लॉगर्स आते हैं वो दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं ओल्ड मुंबई। तो आई थिंक ये ओल्ड मुंबई जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ओल्ड है। अगर आप जैसे हमारे डिफेंस एरिया से उधर चले जाते हो ओल्ड साइट पे जो बने हुए हैं सदर साइट पर, तो वहाँ पर आपको पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी। लेकिन सेम अगर आप इस एरिया में आ जाते हो डिफेंस साइट पे, वहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट सा व्यू देखने को मिलेगा। तो ऐसा हर सिटी में होता है, ऐसा नहीं है कि जो है वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एक हिस्ट्री से होता है बहुत खूबसूरत सा लगता है। लेकिन खैर ये वाला नो डाउन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा था मैं वाकई में आ जाऊँ घूमने के लिए, उड़ कर आ जाऊँ और यहाँ पर सेल्फीज लूँगी ना, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इंडिया में हूँ। सच में जो नहीं जानते ना इंडिया के बारे में, वो फिल्मी पिक्चर्स को जहन में रख के बैठे हैं, तो वो यही सोचेंगे कि यार ये कोई सिंगापुर में घूम रही है। तो वाकई में डाउनटाउन बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। तो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।